प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार डिस्कशन लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो बहादुर सशक्त और शिक्षित बेटियों को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंबर जैदी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लाई खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबके साथ हाजिर हूँ और मेरे साथ मौजूद है नाज़िया लाई खान और बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे पर। नाज़िया बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्ते, जय हिंद। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, थैंक यू सो मच अंबर, बहुत जबरदस्त, बड़ी मस्त। बिल्कुल, मैं भी बहुत खुश हूँ अभी इस हफ्ते से, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हफ्ते की जो पिछले हफ्ते का जो एंड हुआ वो एक अच्छे नोट पर हुआ। आपको बोटियां करने की धमकी दी थी, उसकी भरपेट कुटाई हुई है और मैंने तो उसमें दो तीन लाइनें भी लिखी है। अगली बार जब बात करेंगे ना तो एक्सक्लूसिवली इसी पे बात करेंगे, वो दो चार लाइनें भी मैं मतलब बोल के बताऊंगी। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो ज़ाकिर नाइक पर है, और ज़ाकिर नाइक जैसे पाकिस्तान पहुंचे थे तो तभी से मुझे बड़ी उम्मीदें थी कि जैसे ही ज़ाकिर नाइक पहुंचेंगे तो बहुत कुछ एंटरटेनिंग आता रहेगा, जैसे जैसे वो बातें करते रहेंगे। एक वीडियो जो पिछले दो तीन दिन से वायरल हो रही है, जिसमें एक पश्तून लड़की ने सवाल उनसे किया और उन्होंने बताया कि मैं इस तरह से ऐसे से हूँ, हमारे पूरे एरिया में सब लोग बहुत नमाजी हैं, बहुत इस्लामी हैं, लेकिन जो पीडोफाइलिया है वो बहुत ज्यादा वहाँ पे हैं, बहुत सारे पीडोफाइल्स हैं। तो उसको उसी के सवाल में उलझाकर किस तरह से जवाब को उन्होंने इधर उधर तितर बितर कर दिया, इससे ज़ाकिर नाइक की बड़ी फजीहत हो रही है सवाल का उत्तर देने की बजाय। मैं उस वीडियो को थोड़ा सा प्ले करती हूँ, फिर हम इस पर चर्चा भी करेंगे। के आपने मौका दिया है क्वेश्चन का। सर मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर, वहाँ पे पार्डन माय उर्दू प्लीज, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है, वहाँ ख्वातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं अदा करते, और हर शब जुमा को जो तबलीग जमात के या जितने भी दावा होते हैं दावत इल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीग इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे, और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस। और मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्टम के मद्देनजर, यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्टम, क्या रीजन हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहां पे जो, अच्छा सर एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए भिंज। ओके सर, और शॉर्ट शॉर्ट सर, तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहां पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है, वो खवातीन बहुत इस्लामिक खवातीन हैं, वो घर के बाहर जरूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलता हूं, और मर्द को भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। हाँ कि नहीं? आप निकलते जरूरत के बिना बाहर? कोई निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते माशाल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है? जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं। Yeah. वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है सर, ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है? आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल
सुनिए भाई भाई बहन बहन, आपने सवाल पूछा, आप जरा खामोश रहेंगी, आपने सवाल खत्म हो गया ना, मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। जी सर। अभी मेरा जवाब सुनिए, आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरा रहे। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट? ये मुमकिन ही नहीं है, बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है। पहले बार या नाजिया, आपने वीडियो देखा, हालांकि वीडियो काफी लंबा है, हम इसको और बहुत देख सकते थे, लेकिन जो आप देख रही हो, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा भी है, लेकिन यहाँ तक देख के समझ गए होंगे कि किस तरह से बच्चे के सवाल को उसी में उलझाकर जवाब से जाकिर नायक बचते हुए नजर आए। क्या ही था कि वो मजम्मत कर देते कि अगर कोई नमाज रोजा पढ़ रहा है और अपने सारे अरकान पूरे कर रहा है और उसके बावजूद भी पीडोफाइल्स उस सोसाइटी में बढ़ रहे हैं, तो उसकी अगर मजम्मत कर देते या वजह बता देते कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो शायद जाकिर नायक ना रह जाते। किस तरह से देख रहे हैं आप इस बहुत अहम सवाल के जवाब को जाकिर नायक के? बहुत बड़ा झूठा मक्का है, ठीक है। आई विश के जाकिर नायक को कोई ये बताए जा करके, और जाकिर नायक की बहुत खुशकिस्मती है, या मेरे या तुम्हारे जैसी लड़की उसके सामने नहीं आई है आज तक, नहीं तो मैं तो पैंट खोल करके उसको पिछाड़ में मारती। ये मेरा सवाल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको कैसे कहा, आप चुप रहो, आपका हो गया ना, आप सवाल हो गया। मैं या आप होते तो हम लोग कहते आप चुप रहिए और जो जवाब मैं दे रही हूँ वो पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। हम लोगों में इतनी हिम्मत है। जाकिर नायक ने जब से वो पाकिस्तान पहुंचा है तब से वो विवाद ही करने की कोशिश में लगा है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो पाकिस्तान जैसे जगह पर विवाद कर क्या रहा है। वो तो ना पाकिस्तान है ही है और कुछ साल में कब्रिस्तान होने वाला है। द सेकेंड थिंग इज कि ये मुसलमानों की स्ट्रेटेजी होती, अब फिर मेरे ऊपर ब्लास्फेमी का केस होगा, लेकिन मेरा मुंह मानेगा भी नहीं, फिर मेरी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मेरा मुंह मानेगा भी नहीं। मुसलमानों का सबसे बड़ा जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि जब भी कभी हम अल कुरान के रेफरेंस के साथ कोई बात रखते हैं और सच्चाई को सामने रखते हैं तो हमें ब्लास्फेमी के हजारों केसेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब कोई मुसलमान मदरसे के अंदर अनल सेक्स करता है बच्चे के साथ, रेप करता है बच्चियों के साथ, घर के अंदर रेप होता है बेटी के साथ, भतीजी के साथ, भांजी के साथ, तो इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। ये लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। पाकिस्तान का एक एनजीओ है वार, VAR वार, उस वार की जितनी भी, वार एनजीओ की जितनी भी महिला कार्यकर्ता है, मेंबर्स है, उन्होंने यूएन को और इंटरनेशनल कोर्ट को एक मेमो भेजा है और एक डिटेल का पूरा डेटा का फाइल भेजा है जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में 80% बलात्कार अब्बा जान, चाचा जान, मामू जान, मामू जान, चाचा जान, हाँ, नाना भी है, दादा भी केसेस है, नहीं 30-35% में जो है वो नानू जान है और फूफा जान है जो घर के अंदर रेप करते हैं, और माएं जो होती हैं बेटी के मतलब अब्बा जान का बच्चा जब बेटी के पेट में आ जाता है तो वो चुपचाप जाकर के अबॉर्शन भी करवा देती हैं, और जब कोई एनजीओ उनसे बात करने की कोशिश करता है तो वो कहती हैं कि हम अपने खाविन को जेल कैसे भेज दें। और बेटियों का स्टेटमेंट होता है कि अब्बा जब रेप कर रहे थे तो उन्होंने सर से दुपट्टा नहीं हटवाया था मेरा। जो लोग, जो मुसलमान हमें हिजाब के बारे में बताते हैं, उन मुसलमानों में से कई मुसलमान हैं जो अपनी बेटी का रेप करते हैं। जो मुसलमान हमें क्लेरिक और मौलाना ये बताते हैं कि हम मुसलमान है ही नहीं, वो मुसलमान
दूसरे की बच्चियां जब किराने की दुकान पर आती हैं तो उसके बूब्स को पिंच करते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करते हैं, सहलाते हैं, और ये लंबी लंबी दाढ़ी होती है। अब मैं आपको बताऊं कि आपने पाकिस्तान में जाकिर नायक की स्पीच को सुना है, मैं अपने पश्चिम बंगाल की बात भी आपको बताती हूँ, उसके बाद और खोल करके बताऊंगी। पश्चिम बंगाल में अभी फ्राइडे के दिन एक 9 साल की बच्ची जो है वो ट्यूशन से रिटर्न आ रही थी और उसको कुछ मुसलमान लड़कों के ग्रुप ने किडनैप किया और उसके बाद फिर उसको उसका गैंगरेप किया और फिर उसका मर्डर किया और फिर उसको कनाल में फेंक दिया, ठीक है। उसके बाद फिर जब परिवार वाले फ्राइडे को रात में जब पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं तो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स ने कहा कि अभी दुर्गा पूजा है, पहले देसी मुर्गा लेकर के आओ तब तुम्हारा जीडी लिखेंगे। अब वो बेचारे लोग एक देसी मुर्गा लेकर के गए, बोला नहीं और लेकर के आओ, 4 देसी मुर्गा लेकर के गए, जीडी लिखा, बोला अभी बहुत दारू पी लिया है, अभी जाओ बाद में देखेंगे। बाद में जब पता बाद में यही पता चला कि उस 9 साल की बच्ची का डेड बॉडी मिल गया, वो भी गटर में, गटर में। मैं आपको उसके उसका वीडियो दिखाना चाहूंगी ताकि लोगों को समझ में आए कि मुसलमानों का ये स्ट्रैटेजी है कि वो अपनी बदतमीजियों को कभी भी किसी के सामने नहीं लाना चाहते हैं और बढ़ावा देते हैं कि ऐसा करो, बढ़ावा देते हैं। मैं आपको वो वीडियो, उस बच्ची का वीडियो मैं जरूर दिखाना चाहूंगी, आप मुझे 1 सेकेंड दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ रेप किया किसने है। अलाउद्दीन सरदार के बेटे मुस्तकीम सरदार ने किया है अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ। माशाल्लाह 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 बोलिए अंबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। क्या एक एक मुसलमान भी आपके कान तक आया कि निकला कि इस मुसलमान लड़के ने, इस लौंडे ने बहुत इस्लाम का नाम खराब किया है पिछले 77 साल में? आप भारत में बताइए ना, अरे वो पाकिस्तान की लड़की के पास हिम्मत है, हम तो वो भी नहीं कर पा रहे, वो तो पाकिस्तान जैसे सरजमीन पर खड़े होकर के जाकिर नायक को सामने में बोल रही है और पूरे मीडिया में चल रहा है, हम तो वो भी नहीं कर पा रहे। वो आंखों में आंखें डाल करके जाकिर नायक की हलक में उंगलियां डाल के कह रही है कि जब ब्लोच का वो हिस्सा इतना परहेजगार है, इतना ज्यादा इस्लाम मानता है, इतना ज्यादा दीन को मानता है, तो ये पेडोफाइल कहां से चल रहा है, तो फिर ये चरस गांजा कहां से चल रहा है, तो फिर ये बदतमीजी कहां से चल रही है, तो फिर ये अश्लीलता का नंगा नाच कैसे चल रहा है, वो तो पूछ भी रही है। क्या हम मदनी से पूछ सकते हैं? क्या हम अवेसी से पूछ सकते हैं? क्या हम तौकीर से पूछ सकते हैं? क्या हम राहुल गांधी से पूछ सकते हैं? क्या हम ममता बनर्जी से? मैं पूछ सकती हूँ कि क्यों मुसलमान एक भी नहीं निकला कि इस मुस्तफीर और अलाउद्दीन सरदार के बेटे ने, इस मुसलमान ने इस्लाम का नाम खराब किया है 77 साल में? मुझे एक केस बताइए जिसमें मुसलमान बलात्कारी के विरोध में मुसलमान रोड पर निकले हैं और पत्थर मारे हैं कि भैया किसने किसने इस्लाम का नाम खराब किया है, हम इसको इस्लाम में नहीं रखना चाहते हैं। कभी भी बलात्कारी के विरोध में पत्थर मारने निकले हैं मुसलमान? नहीं, मतलब हम कह देते हैं तो हम इस्लाम विरोधी हो जाते हैं और जो बलात्कार करता है वो इस्लाम का नाम बुलंद करता है, वो इस्लाम का झंडा बुलंद करता है, वो इस्लाम की शान में बलात्कार करता है। यही कहेंगे, यही कहना पड़ेगा ना, अगर बलात्कार जना इस्लाम के खिलाफ है तो 77 साल में हमने क्यों नहीं देखा कि बलात्कारियों के विरोध में पत्थर मारने के लिए या किसी पुलिस स्टेशन को जलाने के लिए या किसी पुलिस ऑफिसर को तोड़ने और मोड़ने के लिए या प्रशासन को और सरकार से आंखों में आंखें डालकर जवाबदही करने के लिए मुसलमान निकले कि इसको मेरे हवाले कीजिए, किसने इस्लाम का नाम खराब किया है रेप कर करके,
हम लोग इसको सजा देंगे इस्लाम के हिसाब से। कभी सुना हमने 77 साल में? नहीं। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? हम इसका मतलब ये समझेंगे कि जो जो भी मुसलमान लौंडा और जो भी मुसलमान बुड्ढा रेप करता है वो इस्लाम का शान बुलंद करता है, और हम जो प्रखर हो करके इनकी कुरनीतियों को और इनके अश्लीलते के नंगे नाच को हम जो बता देते हैं, हम इस्लाम के खिलाफ काम कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो इस बच्चे को जिसने जाकिर नायक को इतना क्रिस्टल क्लियर सवाल पूछा है और जाकिर नायक ने जिस हिसाब से तोड़ मरोड़ करके उस बच्ची को डांट डपट करके थ्रेट करके उसको चुप कराने की कोशिश की है, उससे जाकिर नायक कितना कमजोर है वो साफ समझ में आ चुका। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह अंबर जैदी जी और नाजिला खान जी का ये पूरा डिस्कशन और उनकी दमदार बातें आपको काफी पसंद आएंगी, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी जबरदस्त मजेदार और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।